नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं केडीएम एनसाइक्लोपीडिया से। हमारा लक्ष्य आप तक स्टडी की हर न्यूज़ को पहुंचाना है, चाहे वो सुपर हंड्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको मोटिवेट करने के लिए हो, चाहे वो आईआईटी नीट वगैरह एग्ज़ाम की हो। तो सबसे पहले मैं जिन 2 तारीख को जिन बच्चों का एग्ज़ाम है सुपर हंड्रेड का, जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा सुझाया गया है, बनाया गया एक एजुकेशन ट्रस्ट तरीके से, ट्रस्ट ही है जिसको विकल्प एकेडमी संस्था जो है वो चलाती है, उस संस्था के अकॉर्डिंग सारा कुछ होता है। तो उस एग्ज़ाम का होना 2 तारीख को निश्चित था, वो आपको मैंने डिटेल्स बताई थी। और मैंने सोचा आप सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कह दूं, क्योंकि आपको विश करना मैं अपनी जिम्मेवारी मानता था। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए एक जल्द ही एक ऐसे इंसान की वीडियो लेके आ रहा हूँ, एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ, काजल डॉटर ऑफ शुभचरण, जिनका आईआईटी बॉम्बे के अंदर सिलेक्शन हुआ था कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो उनका क्या सारा प्रोसीजर रहा, वो कैसे कैसे उस मुकाम तक पहुंची, सुपर हंड्रेड के साथ जुड़ के, विकल्प एकेडमी के उन महान टीचर्स के साथ जुड़ के जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो उस स्टूडेंट के खुद के बताए हुए सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी खुद का बताया हुआ मार्ग कि कैसे कैसे उसने पूरा स्ट्रगल किया और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची, उसको सारा का सारा जो प्रोसीजर जो रहा है उन 2 सालों का, जिसको सिलेक्शन के बाद 2 साल उसने लगाए हैं विकल्प अकेडमी के साथ और सुपर हंड्रेड के साथ रेवाड़ी सेंटर के अंदर, तो वो सारा का सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। और मैं नहीं बताऊंगा, वो सारा का सारा प्रोसीजर खुद काजल ही बताएंगे। उनको उनके साथ इंटरव्यू हमने फिक्स कर लिया है, तो वो जल्द ही आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। लेकिन एक बार आप 2 तारीख तक एग्ज़ाम दें, 2 तारीख के एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद यानी उसी दिन शाम को आपको जो है वो इंटरव्यू मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप से उन्होंने स्ट्रगल किया था, कितनी मेहनत उन्होंने की थी और किस तरह से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था। आईआईटी बॉम्बे के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि हरियाणा के अंदर पिछले 15 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्योंकि पिछले 15 साल के अंदर ऐसा किसी ने भी नहीं किया है और ये उस बच्ची ने कर दिखाया है। उस बच्ची के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और उस बच्ची से मिलने के लिए मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ कि उसका इंटरव्यू मैं लेने वाला हूँ। तो ये अपने आप में मैं भी अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि मुझे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला है। तो वो मैं सारा आपको प्रोसीजर जो है वो आपको करवाऊंगा और वो खुद आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति की। तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेट होंगे आप कि लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो आपके अंदर किस किस टाइप की स्टेमिनाज होने चाहिए, जज्बा होना चाहिए, पाने की कितनी उम्मीद होनी चाहिए और कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया था। चलो फिर से मैं याद करवा देता हूँ, 2 तारीख को जो आपको एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको क्या क्या लेके जाना है, जो एडमिट कार्ड जो सुपर हंड्रेड द्वारा विकल्प संस्था द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया गया है वो, और दूसरा इसके साथ लेके जाना है आपके स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड और तीसरा आपके आधार कार्ड। ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के अंदर बैठने के लिए, तो ना भूलें किसी भी चीज़ को। अगर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, एक मौके कई बार स्टूडेंट्स का गुम हो जाता है, तो भी कोई ना कोई आइडेंटिटी आपको लेके जानी पड़ेगी, चाहे वो आधार कार्ड के रिलेटेड फोटोस्टेट हो उसकी, चाहे वो उसका जो पहले जो कार्ड मिलता है उसके साथ कटिंग से पहले जो कार्ड आपका था वो हो, यानी आपको रिकार्ड ज़रूर लेके जाना है कोई ना कोई, चाहे वो आपकी वोटर आईडी है। वोटर आईडी तो यहाँ तक तो आपके पास नहीं होगी क्योंकि आप 18 के तो हुए नहीं हो, तो जो भी है आपको अपनी एक आईडी लेके ही जानी होगी। आधार कार्ड ज़रूर लेके जाएं, कोई भी चीज़ ना भूलें। एक बार फिर से आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक, और वेट कीजिए और वॉच कीजिएगा उस मोटिवेशनल लेक्चर को जो इंटरव्यू के अंदर आपको देने वाले हैं काजल जी। इसी के साथ चाहता हूँ इजाज़त, जय हिंद जय भारत।